पुलिस जिला नौगछिया के गोपालपुर से अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक साथ तीन बहनों की अपहरण किए जाने का मामला सामने आ रहा है। तीनों बहनों की पिता की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसमें फिलहाल एक बहन को पुलिस ने छुड़ाने में कामयाबी भी हासिल कर ली है। वहीं दो बहनों की बरामदगी के लिए छापेमारी की जा रही है। मामला गोपालपुर थाना क्षेत्र के कालूचक कालंदी नगर का है। लड़की की मां पूनम देवी ने गांव के ही रजनीकांत नामक युवक पर अपनी तीन बेटियों के अपहरण करने का आरोप लगाते हुए गोपालपुर थाने में मामला दर्ज कराया है। पूनम देवी ने बताया कि रजनीकांत कुमार ने मेरी सबसे बड़ी बेटी पूजा कुमारी, द्वितीय बेटी प्रिया कुमारी और सबसे छोटी बेटी दीक्षा कुमारी को प्रेम जाल में फंसा कर शहर में नौकरी दिलाने का झांसा देकर तीनों को अगवा कर लिया है। घटना 16 जून के सुबह की है। तीन लड़की मेरी थी, तीनों घर से अपहरण कर लिया गया है। रजनीकांत नामक लड़का है, बगल का ही है। क्या करके अपहरण किया? क्या करके तीनों को बाला फुसला करके लेके चला गया। 15 तारीख भोर 3 बजे लेके गया। तो जब हम लोग सो के उठे, देखते हैं बच्ची गायब है, बच्ची का खोजबीन करने के लिए भेज दे कोई नौचा, कहीं कहीं हर जगह पटना तक आदमी सब लगा दे रिश्तेदार, वहाँ पे एक बच्ची मिल गई बड़ी वाली। क्या नाम? नाम पूजा कुमारी था। और दो लड़की वहाँ से रजनीकांत लेके वहाँ से भी फरार हो गया। आखिर रजनीकांत से संपर्क कैसे हुआ? संपर्क बीच वाली मैंने प्रिया कुमारी से उसे बातचीत होती थी, इसी में लेके चला गया। उन लोग को भला लगा, चलो तुमको जॉब दिला देंगे, इसी में तीनों बच्ची को लेकर चला गया। हम लोग को कुछ मालूम नहीं, सवेरे उठे तो पता चला कैसे ऐसी घटना है। तो कोई बरामद हुआ? नहीं, बड़ी वाली बेटी तो बरामद हुई, दो बेटी जो 16 साल 14 साल दोनों नाबालिग है। अभी तक तो कोई पुलिस को बता, केस करने के बाद वो कह रहा है कि नहीं काम हो रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। बातचीत एक दिन बातचीत हुई थी सर। क्या बोली कि हमको लेकर चला गया है, मम्मी हम आना चाहते हैं। किस कंडीशन में, कैसा, किस परिस्थिति में, वो सब बताइए। वो फोन काट देता था सर, बात हो रही थी फोन काट देता था, इसके बाद वो मैंने स्विच ऑफ कर दिया, वो ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया ना। फिर अभी बात नहीं हुई? नहीं, अभी बात तभी से बात नहीं हुई है बच्चे से। कारण ले जाने का था कि एक लड़की थी जिसमें मेरी मछली वाली, जिसका उम्र 16 साल है, उससे बात करता था। कौन? उस रजनीकांत। किससे बात करती? प्रिया से, प्रिया कुमारी से। तो इसी दरमियान वो तीनों को भला फुसला लिया। तो और घर में तो एक जानते हैं किसान फैमिली है और छोटा बहुत काम है, उतना खर्च उसके बाद बावजूद हम सब ने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहा, जिसके लिए हम सब काम करते थे। बच्चे को सिर्फ यही, हर एक घर में होता है ये चीज़ कि डांटना, डांटने के बाद वो ये कदम उठा लिया। तो लड़का उसको भला फुसला के बोला, चलो तुम सबको वहाँ जॉब दिला देंगे, वहीं हम सब खुशी खुशी रहेंगे। इस कारण से वो सब एक साथ निकल गया, जिसमें मैंने पटना से एक बरामद किया, उसके बाद पूजा कुमारी को। तो क्या बरामद हुई? तो उसके बाद हमने गोपालपुर थाना में जाके उसको सुपुर्द कराया। उसके बरामद 16 तारीख को, 16 को बरामद हुई। उसके बाद वहाँ पे जाके गोपालपुर थाना में जाके प्रशासन के हैंडओवर किया, उसके बाद कानूनी प्रक्रिया के बाद हमने वापस उसे घर लाया। वो क्या बोली बरामद होने के बाद? बरामद यही घटना में बोली कि हम अपने मन से गए थे, उसके बाद उसने बहला फुसला कर हमें नौकरी का झांसा देकर लेके गया था, जिसके आलोक में मैंने केस नंबर है 288/23। लड़की की मां और चाचा का कहना है कि रजनीकांत प्रिया कुमारी से फोन पर बातचीत करता था, इसी क्रम में उसने तीनों लड़की को शहर में नौकरी दिलाने का प्रलोभन दिया, जिसमें तीनों लड़कियां फंस गई और रजनीकांत नामक युवक 16 जून के अहले सुबह तीनों लड़कियों को अपने झांसे में लेकर अगवा कर लिया। मां ने बताया कि बड़ी पुत्री पूजा कुमारी को पटना स्टेशन से रिश्तेदार की मदद से बरामद करने में सफलता मिली, जिसे गोपालपुर थाना को सौंप दिया था। अभी तक दो पुत्रियों की जानकारी नहीं मिल पाई है। घटना के 40 दिन हो चले हैं, लेकिन अब तक कोई खोज खबर नहीं मिल पाई।
वहीं घटना के बाद मेरी दूसरी बेटी प्रिया ने कॉल किया था, जिसमें उसने कहा था कि मुझे यहां से ले चलो, मैं घर जाना चाहती हूं, मुझे बहला फुसला कर लाया गया है। वहीं अभी तक किसी भी आरोपी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे प्रतीत होता है कि अनुसंधानकर्ता लापरवाही बरत रहे हैं। इधर विपक्ष के लोग केस उठाने की धमकी दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि इससे पूर्व 21 व 26 मई को एसपी कार्यालय में आवेदन दिया था, परंतु कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं मामले को लेकर नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज का कहना है कि मामला हमारे संज्ञान में है, हम लगातार तकनीकी अनुसंधान पर काम कर रहे हैं, जल्द ही हम दोनों लड़कियों को बरामद कर लेंगे। वहीं केस का अनुसंधानकर्ता को भी बदल दिया गया है, थाना प्रभारी को 7 दिनों के अंदर दोनों लड़कियों को बरामद करने का निर्देश दिया गया है। हाँ, आज हमारे कार्यालय में आए थे, इस केस को हम जान भी रहे पहले से, एक बच्ची बरामद हुई है, हम लोग दो पे हम लोग तकनीकी अनुसंधान कर भी रहे, जो आपसे हम शेयर नहीं कर रहे, हम लोग काम उस पर कर रहे, बहुत कुछ क्लू हम लोग को मिला भी है, थोड़ा और हम लोग कन्फर्म कर पुख्ता कर लेते हैं, बहुत जल्द बरामद भी कर लेंगे। इस कांड का हमने आईओ को चेंज भी कर दिया है, जो थाना प्रभारी है हमने उनको कहा कि आप कांड के आईओ बनेंगे, एक और गंभीरता से कांड को देखें, और आज उन्होंने फ़ोन से बताया भी है, आज एक डेट में मिले भी थे, वो कह दिया कि हम 7 दिन हमें हर हाल में दोनों बच्चे बरामद चाहिए। क्या कुछ अभी तक लड़की के बारे में? अभी हम कुछ भी शेयर नहीं करेंगे, लड़के बरामद कर लेते हैं, बहुत जल्द हम लोग बरामद कर लेंगे। अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है पूरे बिहार का सबसे बड़ा और प्रीमियम सैलून लुक्स सैलून। लुक्स सैलून में आपको लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए सर्विसेस उपलब्ध है। लेडीज के लिए हेयर स्टाइलिंग, पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, हेयर टेक्सचर, हेयर ट्रीटमेंट, फेशियल एंड रिचुअल्स, हैंड्स एंड फीट, नेल केयर जैसी सुविधाएं। तो जेंट्स के लिए हेयर कट एंड फिनिश, हेयर कलर, हेयर टेक्सचर, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन केयर, बियर्ड ग्रूमिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। लुक्स सैलून अपने इनॉग्रल ऑफर्स के तहत सभी प्रकार की सर्विसेज पर 34% की भारी छूट दे रही है। तो अगर आप भी लुक्स सैलून के बेहतरीन प्रीमियम सर्विसेज की चाहत रखते हैं तो अभी बुकिंग कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए आप मोबाइल नंबर 9199062666 पर संपर्क कर सकते हैं या फिर www.looksalon.in पर जाकर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। पूर्व उद्योग मंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने भागलपुर के अतिथि कक्ष में साफ तौर पर कहा कि वर्तमान नीतीश कुमार की सरकार पूरी शक्ति विरोधी दल के कार्यकर्ताओं पर लाठी चलाने में लगा रही है, उतनी तत्परता अगर गुंडों और आपराधिक तत्वों के लोगों पर सख्ती दिखाने में लगाए तो शायद बिहार सुखी संपन्न और शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण हो जाएगा। उन्होंने मुजफ्फरपुर में हुए कांड को लेकर कहा कि सरेआम हत्या हो रही है, बिहार में कोई जिला अछूता नहीं है जहां हत्या नहीं हो रही, कानून का राज समाप्त हो गया है। मुजफ्फरपुर में जिस तरह दिन दहाड़े हत्या हुई है यह प्रमाणित करता है कि बिहार में कानून का राज समाप्त हो गया है। जिस मुजफ्फरपुर जिले में केंद्र सरकार 400 फैक्ट्रियां लगा रही है, वहीं नीतीश कुमार के राज में गुंडागर्दी और मारकाट हो रहा है, कैसे बाहर के लोग यहां व्यवसाय के लिए आएंगे। वहीं उन्होंने मणिपुर की घटना पर कहा कि वहां जो आपसी तनाव चल रहा है उसे केंद्र सरकार जल्द सुलझाने में लगी है, उम्मीद है सब कुछ जल्द ठीक हो जाएगा। सरेआम हत्या हो रही है, कोई जिला नहीं है जो हत्या से अछूता हो, कानून का राज समाप्त हो गया है। मुजफ्फरपुर में जिस तरह दिन दहाड़े वहां पर हत्या हुई है ये प्रमाणित करता है कि बिहार में कानून का राज समाप्त हो गया है। ये क्या हो रहा है? उसी मुजफ्फरपुर में जहां 4-4 इथेनॉल प्लांट लग रहे हैं, जहां मेगा फूड पार्क लग रहा है, जहां लेदर पार्क मोदी जी ने दिया है, जहां बड़ी बड़ी फैक्ट्री बेला इंडस्ट्रियल एरिया में लग रही है, और उसी मुजफ्फरपुर में सरेआम कल्याणी पर भून दिया जाता है और अपराधी बेलगाम हो गए हैं, तो कैसे लगेगा उद्योग? अगर कानून का राज नहीं होगा तो कहीं भी उद्योग नहीं लग सकता, रोजगार नहीं हो सकता। और हमारा सवाल है बिहार सरकार से कि आप लोगों ने कहा था कि तेजस्वी यादव ने कहा कि 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, फिर नीतीश कुमार जी ने कहा कि हम 20 लाख लोगों को देंगे, आखिर कब रोजगार देंगे? अभी तो जो रोजगार यहाँ दे रहे हैं उनके मन में भी दहशत पैदा हो गया है कि अगर खुलेआम इस तरह गोली से भून दिया जाएगा तो कौन आएगा बिहार में?
कैसे लगेगा उद्योग, कैसे होगा रोजगार? जब तक कानून का राज नहीं होगा, जब तक उद्योग और रोजगार नहीं लग सकता है, तो बहुत चिंता का विषय है। सख्ती करनी चाहिए। आज पूरी सख्ती सरकार की, विरोधी दल के कार्यकर्ता पर लाठी चलाने में जितना समय लगाते हैं, वही समय अपराधी के पीठ पर लाठी मारिए, तब ये लोग ठीक होंगे। भागलपुर में पुलिस अब किसी भी आपराधिक मामलों में एफआईआर करने में या फिर एफआईआर के बाद अनुसंधान में लापरवाही नहीं बरत सकती। साथ ही अपराध के बाद घटनास्थल पर जाकर सिर्फ खानापूर्ति नहीं कर सकती। इसको लेकर भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान भागलपुर के ट्रिपल आईटी एडमिन बिल्डिंग में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें एसएसपी आनंद कुमार, ट्रिपल आईटी भागलपुर के निदेशक प्रोफेसर अरविंद चौबे, रजिस्ट्रार इंचार्ज डॉक्टर गौरव कुमार मौजूद थे। प्रेस वार्ता एमओयू सीलिंग सेरेमनी बिटवीन ट्रिपल आईटी भागलपुर एंड भागलपुर पुलिस के बीच टेक्नोलॉजी क्राइम एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग विषय को लेकर आयोजित की गई थी। गौरतलब है कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से किसी भी थाना क्षेत्र में हुए अपराध के बाद एफआईआर की जानकारी व अनुसंधान की जानकारी लोग मोबाइल पर आसानी से ले सकते हैं। यहां हम कह सकते हैं कि इस एमओयू के तहत अब पुलिस व ट्रिपल आईटी एक साथ मिलकर केस की स्थिति को बताने के लिए यह ऐप तैयार कर रही है, जिससे कहीं न कहीं पुलिसिया कार्रवाई में मदद मिलेगी। ऐप के जरिए आप डाटा के हिसाब से अब सारे केस को साइट पर देख सकते हैं। वहीं एसएसपी ने कहा कि भागलपुर स्मार्ट सिटी के तहत है और जो सिटी स्मार्ट सिटी के तहत है उनके पुलिस को भी स्मार्ट होना चाहिए। इसको लेकर ट्रिपल आईटी ने यह पहल प्रारंभ की है। यह पुलिसिया कार्रवाई में काफी उपयोगी साबित होगी। इस ऐप को बनाने में धनबाद के प्रतीक चंद्रा और लखीसराय के प्रेम कुमार ने महारत हासिल की है। यह ऐप ट्रिपल आईटी के डाटा साइंस हेड ऑफ सेंटर के संदीप लाल के नेतृत्व में दोनों छात्रों ने तैयार किया है। तत्कालीन अभी टेम्पलेट के रूप में प्रसारित किया है। जल्द इसका लाभ पुलिसिया कार्रवाई में प्रारंभ हो जाएगा। देखिए, शुरुआत है और अभी ट्रिपल आईटी भागलपुर और भागलपुर पुलिस के बीच में एक समझौता पत्र पे हस्ताक्षर हुआ है, जिसमें कि भागलपुर पुलिस और ट्रिपल आईटी भागलपुर पुलिस की जो कार्यशैली है उसको इम्प्रूव करने के लिए उसमें कैसे तकनीकी का समावेश किया जाए, जिससे कि पुलिस के जो पदाधिकारीगण हैं, थाना है, उसकी फंक्शनिंग इम्प्रूव हो और हम लोगों को जो नए नए टेक्नोलॉजी हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग है, डेटा एनालिटिक्स है, उसकी मदद से क्राइम के हॉट स्पॉट्स को प्रेडिक्ट करना, मतलब क्राइम कहाँ हो सकता है इस तरीके का प्रेडिक्शन करना, और इसके साथ ही साथ जितने सारे केसेस पेंडिंग हैं उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, जो जितने भी ऑफ सीनियर ऑफिसर्स हैं, राइट फ्रॉम सर्किल इंस्पेक्टर टू एसपी एसएसपी, वो सभी केसेस को फिल्टर करके मॉनिटर कर सकते हैं कि किस केस में क्या चल रहा है, कौन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर क्या कर रहे हैं। इससे संबंधित एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा है ट्रिपल आईटी भागलपुर के द्वारा। इसके साथ ही साथ जो एमओयू है उसमें बहुत सारी चीज़ों पर काम किया जाना है, ट्रैफिक मैनेजमेंट पे और साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम को कैसे हम लोग रोक सकते हैं और जो जहां क्राइम हो चुका है उसका डिटेक्शन कैसे जल्दी से कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो कम्युनिटी इंगेजमेंट के लिए हम लोग सॉफ्टवेयर बनाने का प्लान है, जिससे कि भागलपुर पूरे शहर के या गांव के जितने लोग हैं वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से कोई भी इंसिडेंट या कोई भी जैसे इंटेलिजेंस की भी अगर कोई सूचना है तो वह भी उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम लोग के पास डायरेक्टली आ सकते हैं, जिससे कि उनकी पहचान भी गुप्त रहेगी और हम लोग को सूचना भी एक्शनेबल इंटेलिजेंस हम लोग को प्राप्त होगा, जिस पर हम लोग कार्रवाई कर पाएंगे। भागलपुर से एक लापता वृद्ध का पुलिस ने शव बरामद किया है। वृद्ध व्यक्ति की पहचान मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के नयाचक कोरी टोला रेलवे कॉलोनी निवासी 54 वर्षीय दिनेश प्रसाद के रूप में हुई है। दिनेश लोदीपुर बायपास टोल प्लाजा के समीप चाय की रेड़ी लगाता था। मामले को लेकर मृतक के परिजनों का कहना है कि 19 जुलाई को रोज की तरह दिनेश घर से दुकान के लिए निकला, दोपहर के वक्त खाना खाने के लिए वापस घर आ गया था, जबकि उस रात उसने अपने बड़े बेटे देवराज से फोन पर बात की थी और दुकान पर आने को कहा था। बेटा जब बायपास पहुंचा तो उसने अपने पिता को दुकान पर नहीं पाया। देवराज ने कहा कि रात के वक्त उसे लगा कि पिताजी अपने किसी मित्र के घर गए होंगे। हालांकि सुबह जब
दिनेश नहीं लौटा तो परिजनों को थोड़ी शंका हुई। वो मामले की शिकायत लेकर लोदीपुर थाना पहुंचा। परिजनों ने कहा कि थाना पहुंचकर जब उन्होंने पुलिस को मामले से अवगत कराया तो उन्हें पुलिस के द्वारा अपने नजदीकी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने को कहा गया। वहीं रवैया मुजाहिदपुर पुलिस ने दिखाते हुए पीड़ित परिजनों को लोदीपुर में शिकायत दर्ज कराने को कहा। इसी उधेड़बुन की स्थिति में परिजन विचलित हो गए और लापता व्यक्ति को ढूंढने में उनके 2 दिन बीत गए। वहीं शनिवार को पुलिस ने बरारी पुल घाट के 3rd नंबर पाया के पास से एक शव को बरामद किया था। दिनेश प्रसाद के परिजन भी पहुंचे और उन्होंने शव की शिनाख्त की। जानकारी के मुताबिक मृतक दिनेश प्रसाद ने खुदकुशी की है, जबकि उसके परिजनों का कहना है कि दिनेश लॉकडाउन के वक्त से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे और घरेलू समस्या से तंग आकर काफी परेशान भी चल रहे थे। हालांकि परिजनों ने कुछ भी स्पष्ट तौर पर नहीं बताया। फिलहाल पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जिसके बाद ही घटना की पूरी सच्चाई सामने आ पाएगी। कब लापता हुए थे? घटना ये 19 तारीख का है, ठीक है। सुबह 10:30 बजे वो अपने दुकान गए थे। दुकान जाने के बाद मेरा जो छोटा भतीजा है वो उनके साथ जाते थे। वो 1 बजे आ गए खाना खाने के लिए। उसके बाद जो है 3 बजे लगभग वो फ़ोन किए कि जो है बेटा आ जा दुकान पे, सो हमको गर्मी लग रहा है। इसके बाद जो है मेरा भतीजा जो है दुकान पहुँचते फिर दुकान में वो नहीं मिले। नहीं मिलने के बाद फ़ोन किए अपने वाइफ को, कैसे ऐसे बात है, माँ को फ़ोन करने के बाद फिर हम पूरा फैमिली को फ़ोन किए, तो हम लोग फिर जो है उसका छानबीन चालू किए। करने के बाद जो है उस दिन तो फिर कोई पता नहीं चला। फिर हम लोग छानबीन करते रहे। करने के बाद फिर हम जो है लोदीपुर का एगो एप्लीकेशन लिख करके हम लोदीपुर थाना गए। थाना जाने के बाद में फिर हम उनको एप्लीकेशन दिए। देने के बाद वो बोले कि ठीक है, आप अपना रेसिडेंशियल के दीजिए, आपका एरिया मुजाहिदपुर पड़ता है। फिर मुजाहिदपुर थाना गए तो वहाँ बोले कि नहीं, जहाँ जो है ये हुआ है उसी जगह आप जाइए, लोदीपुर थाना। हम इसी दिन में हमका 2 दिन गुजर गया। 2 दिन गुजरने के बाद में बहुत परेशानी महसूस होने लगा, तो मेरे वार्ड पार्षद जो हैं, चूँकि मेरे परिवार से हैं, इसलिए जो है वो फिर एसपी साहब का जो एप्लीकेशन बनाए मेरा भतीजा, उसके बाद में जा करके एसपी साहब को दिए। देने के बाद फिर वो अपने से जाके बोले, अंकल जी हम सारा प्रतिक्रिया जा करके करते हैं। तो चूँकि वही बच्चा जा करके सारा चीज़ किया, उसके बाद में अपने से जाके गंगा किनारे जाके अपना विधि व्यवस्था किया और अपना जो है ये करने के बाद में खोजबीन करना चालू किया। डेड बॉडी का आपको सूचना कैसे मिला? डेड बॉडी चूँकि उसके उसी दिन जो है एक आदमी का जो है बरारी से पार्षद जी जो है मेरे भाई को फ़ोन किया था, प्रदीप तांती जो पार्षद हैं, उनको बोले थे कि एक आदमी पुल से छलांग लगा दिया। उसी दिन का डेट का ये दुर्घटना था, इसलिए सस्पिशन में रखते हुए मेरा भाई प्रदीप तांती भी जो है उनसे बातचीत किया, तो लगा सस्पिशन में कि हो सकता है वही चीज़ ऐसा हो, इसलिए उस पर छानबीन करना चालू किए। तो छानबीन करने के बाद में इधर जब थाना से हमको 2 दिन समय लेप्स हो गया, हम कुछ कर नहीं पाए, तो लास्ट में फिर एसपी साहब को हम लोग जो है थाना एप्लीकेशन दिए। देने के बाद मेरा भतीजा जो है, क्या नाम है बेटा तुम्हारा, अंशु कुमार जो है, जा करके एसपी साहब से बात किए कि आप NDRF का टीम दीजिए। साइड के पीछे कुछ वजह? कोई वजह ऐसा नहीं है, पारिवारिक टेंशन तो हर इंसान के साथ है। जब से कोरोना काल हुआ है उसके बाद में हर परिवार के साथ टेंशन है, इसके बाद में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आखिर अचानक मणिपुर राज्य में जिस तरह से हिंसा हो रही है, सरकार पूरे मामले को लेकर लापरवाह बनी हुई है। इसको लेकर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के आह्वान पर बिहार के तमाम जिले में गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया गया। अमित शाह को मोदी का दलाल बताते हुए मणिपुर सरकार पर भी जाप कार्यकर्ताओं ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा कि एक फोन से हर एक चीज को कंट्रोल कर देते हैं, तो फिर मणिपुर में हो रहे बीते 3 महीने से हिंसा पर अब तक रोक क्यों नहीं लगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मणिपुर में 2 समुदाय के बीच हिंसक झड़प हो रही है। इस दौरान दोनों समुदाय की तरफ से आगजनी पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि इस पूरे घटना में अब तक सैकड़ों लोगों ने जान गंवा दी है। पुलिस ने इस मामले पर 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके विरोध में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के निर्देश पर जाप के कार्यकर्ताओं ने बिहार के तमाम जिलों में अमित शाह का पुतला दहन कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। घोषित प्रोग्राम पुतला दहन अमित शाह का, पटना से जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव के आह्वान पे पुतला दहन का प्रोग्राम आज रखा गया था। मणिपुर में जिस प्रकार से महिलाओं पर अत्याचार एवं दो जाति पे आपस में लड़ाने का काम बीजेपी सरकार कर रही है, ये कहीं से भी सही नहीं है। आप कहते हैं, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम रूस और यूक्रेन का लड़ाई एक फोन पे रोक देते हैं, आप छोटा सा मणिपुर राज्य का लड़ाई क्यों नहीं रोकवा पा रहे? क्या आप में ताकत नहीं है? नहीं है तो आप अपने सत्ता छोड़ दीजिए। छात्र, हाँ, उसके विरोध में आज पुतला दहन अमित शाह का किया गया। छात्र
एवं जनता खुद ही मणिपुर का एक एक लोग जाकर के वहाँ पे शांति का सद्भाव लाने का कोशिश करेगी। अमित शाह का एक नंबर के वो दलाल आदमी है, वो तानाशाह है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सिर्फ नारा भर ही रह गया है। आप क्यों नहीं उस बेटी पे कोई एक्शन लिए? आप क्यों नहीं मणिपुर के खिलाफ कोई एक्शन ले रहे? आप कहते हैं यूक्रेन की लड़ाई हमने रुकवा दिया, मणिपुर का क्यों नहीं रुकवा पा रहे? आप में ताकत नहीं है? नहीं है वो ताकत तो छोड़ दीजिए। विपक्षी के बहुत ऐसे नेता है जो मणिपुर के लड़ाई को रुकवा सकते हैं, उनमें ताकत है कि दोनों समुदाय के लोगों को समझा सकते हैं।